उज्जैन के सिद्धवट मंदिर घाट स्थान है जहां पर माता पार्वती ने पूजा अर्चना की थी। उस स्थान पर बड़ी संख्या में इस समय प्रदेश सहित अलग अलग शहर और राज्यों से भक्त अपने परिवार के साथ सदस्यों के साथ पहुंच रहे हैं और पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए दूध जल अर्पण कर रहे हैं और पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान अर्पण कर रहे हैं, साथ ही श्राद्ध पक्ष में पूजा अर्चना कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज द्वितीय श्राद्ध लगातार 16 दिनों तक पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ अपने पितरों की आत्म शांति के लिए सिद्धनाथ घाट पर आएंगे, यहाँ पर तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे और श्राद्ध करने के पश्चात यहाँ भगवान सिद्धवट को दुग्धाभिषेक करते हैं। दुग्धाभिषेक करने से भगवान सिद्धवट अपने जो पूर्वज चले जाते हैं उनकी आत्म शांति प्रदान करते हैं। पूरा जिस प्रकार से गया जी में तर्पण और पिंडदान करने का महत्व, उसी प्रकार से सिद्धवट तीर्थों पर भी तर्पण श्राद्ध और दुग्धाभिषेक करने का महत्व है। अवंतिकापुरी में सिद्धवट घाट है, माता पार्वती द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में अपने पुत्र की आत्म शांति के लिए बाहर से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अपने पुत्र की आत्म शांति यहाँ पूजन पाठ करते हैं, पुत्र की शांति के लिए पूजन करते हैं। गुरु जी, इस घाट पर क्या खास माना जाता है, पूजा अर्चना श्राद्ध पक्ष में और क्या रहता है? घाट का है, माता पार्वती द्वारा घाट लगाया गया है। यहाँ प्रेस शिला है, क्या है, प्रेस शिला है। यहाँ पर पिंडदान करने से गया जी का 3 गुना पुण्य यहाँ मिलता है। सिद्धनाथ घाट पर जो पिंडदान करता है उसको गया जी से 3 गुना पुण्य यहाँ प्राप्त होता है। शुक्रा नदी है, ठीक है। शालिनी दुबे है, मैं सपरिवार प्रति वर्ष पितृ पूजन और तर्पण पूजन के लिए अवंतिका तीर्थ आती हूँ। हम लोग पंसौर्स के हैं और प्रति वर्ष यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं। पितरों के लिए जब नमन करते हैं, तर्पण करते हैं तो बहुत सुकून सा महसूस होता है। यहाँ जैसे ही ये काम होता है तो एक बड़ा संतोष होता है कि पूरे वर्ष पितरों का आशीर्वाद हम पर ऐसा ही बना रहेगा, इसी भावना के साथ हम लोग यहाँ। माता पार्वती ने पूजा अर्चना की थी तो क्या मानते हैं, माता पार्वती की पूजा है यहाँ पर क्या मानते? इसीलिए तो ये सिद्ध वट है, यहाँ हमने कथा सुनी हुई है। अनंत नरक चतुर्दशी पर भी यहाँ काफी आयोजन होता है, तो जो सिद्ध वट है, 4 सिद्ध वटों में से एक वट यहाँ अवंतिका तीर्थ में है, इसीलिए हम लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।